तो इंटरेस्ट नहीं किया भाई, थैंक यू। नहीं समझ आ रहे जो लाइक थैंक यू। मतलब नाम देखो आप, गिज़्मोज़ वाला, ठीक है, मेरे को नहीं पता क्या गिज़्मोज़ बेच रहे हो या आप वेबसाइट बनाई है या प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो भी क्लैरिटी नहीं है। दो साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है। वेरी नाइस एट 18 इयर्स 2.2 करोड़, दो साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है क्या? 28 मंथ। नमस्कार दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया के दो सीजन्स में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने पिच किया है। अकेले सीजन वन में ही 143 स्टार्टअप्स ने शार्क्स को पिच किया और उनमें से 65 को शार्क्स से कमिटमेंट भी मिल गई। लेकिन प्राइवेट सर्कल रिसर्च के अनुसार इन डील्स में से केवल 27 को पूरा किया गया है। कुछ स्टार्टअप्स शो में आने के बाद काफी ग्रो कर गए और कुछ शार्क्स के साथ होने के बावजूद भी फेल हो गए। एक 18 साल के लड़के ने शार्क टैंक में आने के बाद अपना शार्क टैंक खोल लिया, तो एक भाई ने शार्क टैंक पर अमन गुप्ता को अपनी कंपनी बेचकर चूना लगा दिया। आइए देखते हैं पिछले दो सीजन्स में आए कुछ स्टार्टअप्स का आज क्या हाल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑनलाइन लाइव लर्निंग बाय श्रियान डागा। OLL एक एजुकेशनल स्टार्टअप है। इसके फाउंडर श्रियान डागा शार्क टैंक पर आने वाले सबसे यंग पिचर्स में से एक थे। जब उन्होंने शार्क्स के सामने सीजन 2 में ऑनलाइन लाइव लर्निंग को प्रस्तुत किया तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। और जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया मंच पर कदम रखा तो वो 2 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे और उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी। OLL 3 मेन सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस और इंग्लिश को छोड़कर बाकी हर तरह के सब्जेक्ट्स और हॉबीज को कवर करता है। शिक्षा के इस अनौपचारिक दृष्टिकोण और श्रियान के आत्मविश्वास ने पीयूष वंसल और विनीता सिंह का ध्यान खींचा। उन्होंने 6 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर कंपनी में 5% के लिए 30 लाख रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया। लेकिन अलग अलग पॉडकास्ट और एक लंबी लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से श्रियान ने बाद में खुलासा किया कि शार्क्स ने 6 महीने तक प्रोसेस शुरू ही नहीं किया और श्रियान ने उनकी प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। उन्हें और निवेशक मिल गए जिन्होंने शार्क टैंक से 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट की। और मजेदार बात यह है कि शार्क टैंक इंडिया की कमियों को देखकर श्रियान डागा ने CNBC टीवी 18 के साथ मिलकर खुद का एक शार्क टैंक शुरू कर दिया जिसका नाम है स्किल टाइटन्स और यह भारत के युवाओं के स्टार्टअप के सपनों को पूरा करने के लिए फंडिंग देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किपी आइस पॉप्स। जब रवि काबरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे तो उनकी बहन वहां से पॉप्सिकल्स पैक करके भारत ले जा रही थी। तब उन्होंने महसूस किया कि पूरे देश में एक भी आइस पॉप्सिकल्स ब्रांड नहीं था और उन्होंने तय किया कि वो पहला शुरू करेंगे। इसलिए 2021 में रवि ने भारत वापस आकर अपनी पत्नी अनुजा काबरा के साथ स्किपी आइस पॉप्स लॉन्च की। और इस प्रकार जब वो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन पर आए, स्किपी हर महीने लगभग 4 से 7 लाख रुपए का बिजनेस कर रही थी। वो मुख्य रूप से बचपन की यादें बेच रहे थे और शार्क्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। स्किपी शार्क टैंक का पहला स्टार्टअप बना जिसे सारे शार्क्स का सपोर्ट मिला। मई 2022 तक यानी शार्क टैंक इंडिया पर आने के केवल 5 महीने बाद उनकी मासिक बिक्री लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक पहुँच गई थी, यानी 40 गुना ज्यादा। रीवैम्प मोटो। नासिक स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रीवैम्प मोटो 2020 में जयेश टोपे, प्रीतिश महाजन और पुष्कराज सालुंके ने स्थापित किया। उनके मेन इलेक्ट्रिक बाइक्स थे RM मित्रा और RM बडी 25। जब यह कंपनी शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 पर आई तो उनके पास पहले से ही उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स के 50,000 ऑर्डर थे जिनका मूल्य 250 करोड़ रुपए था। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। शार्क टैंक पर उनकी पिच अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर तीनों को पसंद आई, बल्कि तीनों में फाइट भी खूब हुई। रिवैम्प मोटो ने अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता को हाँ कर दिया। रिवैम्प मोटो ने सितंबर 2023 में अपनी बाइक्स की उत्पादन की घोषणा की और उम्मीद है कि वो अपने 50,000 बाइक्स को बेचने का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। फार्मालामा। चलिए इस सूची में अगले स्टार्टअप की ओर बढ़ते हैं। बेंगलोर स्थित एक फार्मेसी प्लेटफॉर्म फार्मालामा जो 2020 में स्थापित हुआ था। इस कंपनी के पीछे लोग हैं अचिंत्य दयाल, अर्जुन रघुनंदन और दीपेश राजपाल जो आपके अस्त व्यस्त मेडिसिन के डब्बे को उनके पहले से ही सॉर्टेड मेडिसिन पैक से बदलना चाहते हैं। ये पैक्स महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए रोगी का नाम, मेडिसिन की मात्रा और उसका समय। ये वृद्ध रोग
रोगियों के लिए एक सरल और सही समाधान है, जिनमें से 40% वृद्ध एक केयर गिवर पर निर्भर करते हैं कि उन्हें सही और सही मात्रा में मेडिसिन मिल पाए। फार्मालामा शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में एक ऑल शार्क डील प्राप्त करने में सफल रही थी। कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। एक बड़ी डील के लिए उनकी फ्लिपकार्ट से भी बात चल रही थी, लेकिन मार्च 2023 में चीजें बदल गई क्योंकि साउथ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने फार्मालामा और होम मिनिस्ट्री को एक कानूनी नोटिस जारी किया कि फार्मालामा का काम इल्लीगल है और इसे बंद किया जाना चाहिए। इस नोटिस के अनुसार मेडिसिन की ओरिजिनल पैकेजिंग को बदलना कानूनन अपराध है, जो कि फार्मालामा कर रहा था मेडिसिन को अपने पैक्स में डालकर। इसके बाद अब फार्मालामा का क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है गुरुग्राम स्थित प्रोडक्ट इनोवेशन स्टार्टअप सिड ओ सेवन डिजाइन्स, जिसे सिद्धार्थ गुप्ता द्वारा 2018 में स्थापित किया गया। सिड ओ सेवन डिजाइन्स में सिद्धार्थ प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता, बनाता और लाइसेंस कंपनी को बेच देता। लेकिन जब सिद्धार्थ शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 पर आया, उसकी कंपनी केवल 1,00,000 रुपए महीने के प्रोडक्ट्स बेच रही थी। जब उसने अपने आविष्कारों को शार्क्स के सामने प्रदर्शित किया तो शार्क्स ने उन्हें या तो कॉपीड प्रोडक्ट्स या फिर अनइन्वेंटिव प्रोडक्ट्स कहा। हालांकि इसके बावजूद पीयूष बंसल ने सिद्धार्थ को एक डील दी, जिसमें उन्होंने 25 लाख के बदले में कंपनी का 75% हिस्सा मांगा। इस सौदे की एक शर्त भी थी कि सिद्धार्थ को पीयूष द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स और प्रॉब्लम्स पर ही काम करना होगा। सिद्धार्थ ने पीयूष की पेशकश को स्वीकार कर लिया। आज सिद्धार्थ का लिंक्डइन प्रोफाइल कहता है कि वो लेंसकार्ट में एक टेक्निकल कंसल्टेंट है, जिससे ये स्पष्ट लगता है कि अमन गुप्ता ने जो शार्क टैंक में कहा था कि पीयूष सिद्धार्थ को जॉब दे रहा है, वो सही था। हालांकि इस कहानी का एक और पहलू है, क्योंकि सिद्धार्थ ने एक पॉडकास्ट में बताया कि शार्क टैंक के एपिसोड के बाद इस डील को और भी सुधारा गया और अब भी वो सिड ओ सेवन डिजाइन्स का मालिक है और पीयूष के साथ उस पर काम कर रहा है। अगली कंपनी है हैमर, जो 2019 में रोहित नदवानी द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। हैमर के काफी प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग बोट के जैसी ही थी, इसलिए जब रोहित ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 पर अपनी स्टार्टअप को पिच किया तो बोट कंपनी के मालिक अमन गुप्ता ने हैमर को 1 करोड़ रुपए में खरीदने का निर्णय लिया। अमन का इरादा साफ था, हैमर बोट का कंपटीशन है और अमन को उसे खत्म करना है। अंत में रोहित ने अमन गुप्ता को 1 करोड़ रुपए में कंपनी का 40% बेचने के लिए सहमति दे दी और अमन ने कहा कि हैमर अब स्मार्ट टूथब्रश पर ध्यान देगा और बोट वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन 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 रोहित ने शो के बाद इस डील से इनकार कर दिया और हैमर को शार्क टैंक इंडिया के आने के एक दिन बाद 1 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ गए। हैमर ने 2023 में 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो उनके शार्क टैंक इंडिया पर आने से पहले से 6 गुना ज्यादा था। लेकिन क्या रोहित सच में शार्क टैंक पर डील लेने गया था या फिर सिर्फ अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना ही उसका प्लान था, हमें ये कभी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इन सभी ब्रांड्स में से आपका फेवरेट पिक्चर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।